आबादी कंट्रोल करने का भयानक अमेरिकी मंसूबा कोरोना वायरस है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने 2018 में आजकल चीन भर में बेकाबू कोरोना वायरस की पेशगोई कर दी थी। बिल गेट्स का कहना था कि आने वाली दहाई में एक ऐसा वायरस आएगा जो वबा की सूरत अख्तियार कर लेगा। उन्होंने इस वायरस से होने वाले नुकसान के बारे में कहा था कि नई दहाई में आने वाला वबाई वायरस 6 माह में 3 करोड़ से ज़ायद लोगों की जान ले सकता है। चीन से शुरू होने वाले और दुनिया में तेज़ी से फैलते कोरोना वायरस का ख्याल किया जा रहा है कि ये वही वायरस है जिसका तज़करा बिल गेट्स ने 2018 में ही कर दिया था। गैर मुल्की वेबसाइट्स बिजनेस इंसाइटर्स की इस रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश है, जिसकी शह सुर्खी बिल गेट्स के इस बयान के हवाले से है। बिल गेट्स ने यह पेशगोई 18 अप्रैल 2018 को लंदन के मिसाजोसिस्ट सोसाइटी और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिकल सोसाइटी के जेर एहतमाम मलेरिया के हवाले से होने वाले एक सरबराही इजलास में की थी। 2 साल कबल नए वायरस से होने वाली तबाही का जिक्र करने पर बिल गेट्स की इस बात को सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद से शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये वही वायरस है जो बिल गेट्स बता चुके हैं। इस बात का कभी इम्कान है कि इस वायरस को पाकिस्तान में भी धकेला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये अहम इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी ज़रूर पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अपने किसी ख्वाब की तबीर जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।